और बांग्लादेश ने एक ऐसे प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग अपने देश में पहली बार शुरू कर दी है जिसके लिए अभी तक बांग्लादेश भारतीय इम्पोर्ट पर निर्भर था। ये प्रोडक्ट है मोटरसाइकिल्स और सेफ्टी हेलमेट। भारत निर्भरता থেকে ধীরে ধীরে বাংলাদেশ বেরিয়ে এসে স্বনির্ভর হচ্ছে। একটা সময় কল্পনা করা যেত না বাংলাদেশে মোটরসাইকেল উৎপাদন হবে, তবে আজ তা বাস্তব। ভারতীয় মোটরসাইকেল কোম্পানিগুলো এখন বাইক বাংলাদেশে অ্যাসেম্বল করা শুরু করে দিয়েছে। এবার বাংলাদেশের স্বনামধন্য কোম্পানি আরএফএল হেলমেট উৎপাদন করা শুরু করে দিয়েছে। এতে ভারতীয় মিডিয়ার ঘুম হারাম হয়ে গিয়েছে। ভারতীয় কোম্পানিগুলো বাংলাদেশের বাজার হারিয়ে ফেলছে। তাদের দাবি, গত কয়েক বছরে বাংলাদেশে দ্রুতগতিতে ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন হয়েছে এবং এর সবচেয়ে খারাপ প্রভাব ভারতের উপর পড়েছে। আগে ভারত থেকে বাংলাদেশ মোটরসাইকেল এবং হেলমেট আমদানি করত, তবে এখন বাংলাদেশেই উৎপাদন হচ্ছে। বাংলাদেশের এমন স্বনির্ভর হয়ে যাওয়ার ফলে ভারতীয় কোম্পানিগুলো মোটা অঙ্কের মুনাফা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। শুধু তাই নয়, বাংলাদেশের তৈরি হেলমেট ভারতের হেলমেটগুলোকে টক্কর দিচ্ছে দামে এবং মানে। বাংলাদেশে বাইক এবং হেলমেট তৈরি হওয়ায় কেন ভারতীয় মিডিয়া খুশি না? বাংলাদেশে মোটরসাইকেল এবং হেলমেট তৈরি হওয়া নিয়ে কি বলছে ভারতীয় মিডিয়া, আসুন তা দেখি। देखिए, आज की अपडेट है तो बांग्लादेश से, लेकिन इसका एक काफी बड़ा असर भारतीय एक्सपोर्टर्स पे पड़ने वाला है। और बांग्लादेश ने एक ऐसे प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग अपने देश में पहली बार शुरू कर दी है जिसके लिए अभी तक बांग्लादेश भारतीय इम्पोर्ट पर निर्भर था। ये प्रोडक्ट है मोटरसाइकिल्स और सेफ्टी हेलमेट्स। आपको बता दें कि आजादी के बाद से अब तक बांग्लादेश में हेलमेट्स का मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम मौजूद ही नहीं था, लेकिन अब जाके बांग्लादेश की पहली हेलमेट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शुरू हो चुकी है और जल्दी भारतीय मैन्युफैक्चरर्स के हाथों से काफी बड़ा मार्केट छिन सकते। एक रिपोर्ट के मुताबिक हर साल बांग्लादेश में करीबन 20 लाख हेलमेट्स की जरूरत पड़ती है। इस पूरी डिमांड का करीबन 60% हिस्सा अकेले भारत से बांग्लादेश में इम्पोर्ट के जरिए पूरा किया जाता है और बचे हुए 40% हेलमेट्स की डिमांड को चाइना, वियतनाम, मलेशिया और थाईलैंड मैन्युफैक्चरर्स पूरा कर देते हैं। अभी तक बांग्लादेश में हेलमेट्स की एक छोटी डिमांड थी, लेकिन सरकार के सख्त नियमों की वजह से हाल ही में हेलमेट्स की डिमांड बढ़ती हुई देखी जा सकती है। आपको बता दें कि भारत की छोटी और बड़ी मिला के कुल 12 से ज्यादा ब्रांड्स अभी तक बांग्लादेश को हेलमेट्स का एक्सपोर्ट कर रही थी। और न केवल टू व्हीलर हेलमेट्स बल्कि सेफ्टी हेलमेट्स भी भारत से काफी बड़ी तादाद में बांग्लादेश को एक्सपोर्ट किए जाते हैं। भारतीय मैन्युफैक्चरर्स के लिए बांग्लादेश इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण मार्केट है क्योंकि एफटीए की वजह से मैन्युफैक्चरर्स को किसी भी तरह की ड्यूटी नहीं देनी होती। इसके अलावा भारतीय हेलमेट्स का एक काफी अच्छा खासा नेटवर्क बांग्लादेश में मौजूद है, लेकिन ये जल्दी बदल सकता है क्योंकि बांग्लादेश की पहली हेलमेट प्रोडक्शन यूनिट शुरू की जा चुकी है और मेड इन बांग्लादेश हेलमेट्स अब धीरे धीरे बांग्लादेशी ऑटो मार्केट में जगह बनाना शुरू कर चुके हैं। बांग्लादेश बेस्ड कंपनी आरएफएल ग्रुप ने अपने सेफमेट ब्रांड्स के हेलमेट पहली बार बांग्लादेश में लॉन्च कर दिए हैं और माना ये जा रहा है कि बांग्लादेश में बने हेलमेट्स भारतीय हेलमेट्स को प्राइसिंग के मामले में टक्कर देने वाले हैं। हालांकि शुरुआती दौर में इनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी करीबन 1,20,000 हेलमेट्स एनुअली रहने वाली है, लेकिन डिमांड और समय के साथ इसे भी धीरे धीरे बढ़ाया जा सकता है। पिछले कुछ सालों में बांग्लादेश के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन काफी एक्सपोनेंशियली बढ़ा है, जिसकी वजह से पर कैपिटा इनकम पे अच्छा खासा असर देखा जा सकता है। यही वजह है कि टू व्हीलर की सेल्स भी पहले के मुकाबले बांग्लादेश में काफी तेजी से बढ़ी है। फाइनेंशियल ईयर 2022 में पूरे बांग्लादेश में 5,87,000 टू व्हीलर्स की सेल्स रिकॉर्ड की। आपको जानकर हैरानी होगी कि 2015 के बाद से टीवीएस, हीरो, यामाहा, सुजुकी और बजाज जैसी कंपनीज बांग्लादेश में टू व्हीलर की लोकल असेंबली शुरू कर चुकी है। प्रिय दर्शक, বাংলাদেশে ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন হয়তো ভারত থেকে দেরিতে শুরু হয়েছে, তবে এরই মাঝে ভারতীয় কোম্পানিগুলোর নাকে দম করে রেখেছে আমাদের ছোট্ট এই দেশটির কোম্পানিগুলো। এরই ধারাবাহিকতায় হেলমেট নতুন একটি পণ্য। প্রতি বছর বাংলাদেশে মিলিয়ন ডলার ব্যয় করে হেলমেট আমদানি করা হয়, অথচ বাংলাদেশ নিজের চাহিদা মিটিয়ে নেপাল, শ্রীলঙ্কা এবং ইউরোপের দেশগুলোতে হেলমেট রপ্তানি করতে পারে। এতদিন এই সুযোগকে বাংলাদেশ কাজে লাগাতে না পারলেও আরএফএল এগিয়ে এসেছে এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে। সম্প্রতি বাংলাদেশ সরকার 350cc লিমিটের বাইক রাস্তায় চলাচলের অনুমতি দেয়ায় হায়ার সিসি বাইকও বাংলাদেশে অ্যাসেম্বল হতে যাচ্ছে। ইতিমধ্যে ইফাত মোটরসের হাত ধরে বিশ্ববিখ্যাত রয়্যাল এনফিল্ড বাইক বাংলাদেশে ম্যানুফ্যাকচার প্ল্যান্ট স্থাপন করেছে। বলা যেতে পারে বাংলাদেশের বাইক এবং হেলমেটের বাজারে নতুন রেভুলেশন এসেছে এবং ভবিষ্যতেও আসবে। আজকের ভিডিও এ পর্যন্তই। অনুরোধ করছি ভিডিওটি অনেক বেশি করে শেয়ার করার জন্য, কেননা আপনার একটি শেয়ারে হয়তো অনেকেই জানবে বাংলাদেশের ইতিবাচক খবরগুলো। পরবর্তী ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি আজ। আল্লাহ হাফেজ।